कुछ चीजें दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो ऑन किया। देखो ये है बियर का बोतली है और ये है सिगरेट का डिब्बी और ये है बियर बोतली का कांच। ये ऐसा चीजें मिल रहा है इस एरिया पे। प्लीज क्या बोलूँ, हर वीडियो में मैंने सबको देखा हूँ ये बोल ले। ये देखो ये कुछ कुरकुरे नमकीन का पैकेट है, आप लोग ऐसे ही खा के इधर फेंक के चला जाते हो यार, शिट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो एक नया यात्रा का शुरुआत होने जा रहा है। अभी आज है फ्राइडे रात को 10:10, तो मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। अभी जा रहा हूँ आज शिवपुरी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा छुट्टी नहीं है, एक ही दिन का छुट्टी है, सैटरडे या संडे, बस दो दिन हो गया। संडे को मेरे को अर्ली मॉर्निंग बा शाम तक मेरे को रिटर्न आने का है दिल्ली, क्योंकि मंडे को मेरा ऑफिस है। तो चलो फिर अभी निकल रहा हूँ और फिर रात को तो ज़्यादा नहीं होगा, तो सुबह तक पहुँचना भी पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बाप, आज ऑफिस से आते आते लेट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ काम था, नहीं तो जल्दी निकलने का था थोड़ा सा 9 बजे तक। ठीक है, आज का यात्रा का शुरुआत करते हैं भगवान के नाम लेकर। जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री केदार बाबा की जय। चलो अभी निकलते हैं, अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो आज का ये नया एक राइड स्टार्ट हो रहा है टूअर शिवपुरी। जस्ट 50 किलोमीटर आया हूँ, एक ढाबा में रुका हूँ, जस्ट पीछे ही ढाबा है, थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं। 12:10 हो रहा है, उसके बाद फिर निकलेंगे इधर से। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है रात को 2:15, मैं एक जगह पे रुका था, थोड़ा फ्रेश होने का था इसीलिए, और रुद्र इधर ही खड़ा है। और इस बार रुद्र के साथ ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया, क्योंकि हम 10-2 ही जोना है, इसलिए आराम आराम से आ रहा था। पर ठीक है, रास्ता खाली है। और मैंने इस बार फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने मिरर एक्सप्रेस हाईवे नहीं लिया, क्योंकि इंटरनल रोड पर जा रहा था, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें अगर इनकेस आपको कुछ रास्ते में दिक्कत हो जाए, रास्ता तो खाली है ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी आगे पीछे, वो भी वीकेंड है ठीक है, और वो भी वीकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उस रास्ता पे। ठीक है, एक बार रुद्र को दिखाता हूँ आपको। शाम को निकलने से तो मैंने बिल्कुल दिखाया नहीं था उनको, एक बार रुद्र को दिखा देता हूँ आपको। ये देखो रुद्र एकदम तैयार है, बट जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है मेरा, वो मैंने आपको आने का टाइम पे दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा गोप्रो ऑलरेडी आ चुका है और गोप्रो मेरा बैग में है, बट मैंने जस्ट गोप्रो खरीद के मैं लेके निकल के आ गया। सब कुछ सेटअप नया पैक मेरा इसमें बैग में पड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको देखा भी नहीं इवन, बस जो शॉप पे दिखाया था उसका कोई रिव्यू भी नहीं बनाया। तो मैंने घर जाके मैंने इसका एक रिव्यू भी बनाऊंगा गोप्रो के लिए। ठीक है, अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, फटाफट निकलते हैं।
हाय फ्रेंड्स, अभी ये हम अभी रुड़की से ना 100 किलोमीटर पहले ही एक ढाबा था इधर, ये फूड जंक्शन बोलते हैं, तो इधर थोड़ा सा रुका था, तो मेरे को प्यास भी लग गया था। निखिल भी बैठा हुआ है रात को, देखो नींद आ गया इसका, आँख देखो कैसा हो रहा है। अरे ये रात का रोड है, वाओ। तो हम चलते चलते अभी एक मिरर एक्सप्रेस हाईवे का लेफ्ट हैंड साइड में दौराला बोल के एक जगह है, इधर रुके थे चाय पीने के लिए। तो ये आशीष भाई का एक ढाबा भी मिला, इधर हम रुके और चाय पी रहे, और ठीक है इस भाई के साथ मिल के मज़ा अच्छा लगा। इधर इस भाई, इनका नाम है आशीष और इन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो, ओके आशीष भाई, हम लोग निकलते हैं। थैंक यू, बाय बाय बाय। निखिल उसके साथ बातें मत करना, मेरे को दुख लग रहा है अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कष्ट हो रहा है। इसको सुबह सुबह भेज दियो भाई आशीष भाई, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, सो रहा है, छोड़ दो उसको, सोने दे एकदम। गले का पट्टा हल्का है ना, उंगली घुस रहा है ना उसमें, छोड़ दो। अभी कितना टाइम हो रहा है निखिल? सुबह का 5 बज रहा है यार। हम लोगों ने हफ्ती कर दिया, रुकते 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 हम लोग अभी पहुँचा नहीं, बात अभी पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। मेरा होट इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है? नहाएगा क्या? नहाए ना, नहाने का है जल्दी पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा नहाएंगे। चलो हरिद्वार से नहाते हुए जाएंगे। अरे फुल रिलैक्स, जो भी मर्जी दिन अपना है। थोड़ी देर पहले ही हम सिकुड़िया घर पहुँचे, अभी बज रहे सुबह तो 6 बज रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है अभी, रेस्ट लेने के बाद फिर उठेंगे।
पूरा रात भर बाइक चला, नींद आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या कर रहा है टिक्कू? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम सुबह पहुंच गया था शिवपुरी, आके थोड़ा सो गया था, आराम कर रहा था। चलो अभी थोड़ा सा नहा लेता है स्विमिंग पूल पे, और लंच करने के बाद थोड़ा सा एंजॉय करते हैं आउटसाइड, पूरा दिन रिलैक्स करने का। रिलैक्स ऑलरेडी हो गया 2 घंटा। मैंने दिल आजा मजा आ गया यार, एक दिन पूरा फुल रिलैक्स, मस्त सो के उठाऊं और उसके बाद स्विमिंग पूल पे। अभी 1 घंटा इसमें रिलैक्स करने का, फिर नहाए के फिर लंच करेंगे, फिर नीचे जाएंगे घूमने। गाना वाना लगा ना यार मोबाइल पे यार, इसलिए बोला था वो छोटा वाला उफाल लिखाने के लिए, तो इसमें मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। गाना मत चला देता हूँ। चला गाना चला, लेकिन एक काम कर लें, पूरा का पूरा 2-3 घंटा स्विमिंग पूल में रहेंगे एकदम। और इवन मैं शाम को भी, मैं 7-8 बजे जब मैं घूम घाम के आ जाऊँगा फिर इधर ही, और पूरा शरीर को मेरा रिलैक्स मिल गया, रात भर का जो पूरा जर्नी था उतर गया। गाना वाना तो मुझे आता नहीं ऐसे ही अभी गाना चलाने बोला भाई को, कॉपीराइट क्लेम आएगा तो आएगा, दिखा जाएगा, नो प्रॉब्लम, एंजॉय करते हैं, लेट्स जैज। रिलैक्सिंग संडे को, वाव इधर देखा कितना सुंदर सुंदर बना हुआ है, वाओ ये कौन है तीनों पहचाने नहीं, वो इधर आंटी जी। कुछ नहीं है जिंदगी में, बस जितना दिन जियो उतना दिन रिलैक्स कर लो, दैट्स इट। दिल क्या कर रहा है? सुन नहीं एक डुबकी लगा रहे, लगा डुबकी लगा, बस 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 बहुत सुंदर सा ड्राइंग करके रखा हुआ है इन्होंने यार, अच्छा लगा। पानी तो मजा ना इसमें है, अपना पानी का जो मजा है वो मजा नहीं।
भैया का नाम क्या है? राजपाल। राजपाल जी, किधर रहते हो आप? ऋषिकेश में जी। और इधर क्या करते हो? कैंप में करते हैं काम। कैंप पे काम करते हो। चलो थैंक यू राजपाल जी, थैंक यू। चलो हम नीचे तो थोड़ा घूम के आते हैं। ठीक है सर। और ये तेरा तो आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। दादा मैं भी आ रहा हूँ, आराम से। बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। ये शिवपुरी कैंप वाला जो नीचे वाला जो रास्ता है, बड़ा खतरनाक रास्ता है। एकदम ऐसा ढाला नहीं नीचे, ऐसा ऐसा ढाला नहीं नीचे। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या है। इधर से, इधर से, उधर इधर लाना। बड़ा ढाला नहीं भाई ये। ओ हिकिंग वाला शू पहन के आता यार, इधर तो स्लीप हो रहा है मेरे को। What a beauty. लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका वीडियो नहीं बना पाया था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था यार। क्या ग्रीनरी है, तूने देखा? Can you imagine it? Yes. क्या ब्यूटीफुल ग्रीनरी है यार। What a beauty. It's a real nature. Real nature. अगर वो नीचे इधर बाइक का फैसिलिटी होता ना, मैं पक्का लेके इधर ही रुकता। पर इधर बाइक का फैसिलिटी नहीं है, मैं बट मेरे को रुद्र को इधर उधर खड़ा नहीं करने के बाद, इसीलिए मेरे को ऊपर रुकना पड़ा। एक्चुअली तो फ्रेंड्स, इधर रुकने के लिए ना बाइक को मेन रोड का जो ऊपर जो सो जो हाईवे जो जा रहा है, केदारनाथ बद्रीनाथ वाला जो रोड जा रहा है, आपको हाईवे के ऊपर ही खड़ा करना पड़ेगा। बाइक हो, आपका कार हो, इधर कोई प्रॉपरली पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए मेरे को जो प्रॉपर पार्किंग वाला जो सिस्टम है, जो प्रॉपरली पार्किंग वाला जो सिस्टम है, उधर ही मेरे को रूम लेना पड़ा, क्योंकि मेरा बाइक सेफ रहेगा। इसलिए बहुत सुंदर जगह है। एक पान खा रहा हूँ। कौन सा कैसे उठाऊँ बता तू? प्रॉपर अभी मैं उठा नहीं रहा हूँ, तू मुझे पहले बता कैसे उठाने का। पूरी उठा, पूरी। कैसे बता दे, मैं फिर उस हिसाब से कैमरा रेडी करूँगा ना। ऐसे ऐसे क्या होता है वो भी बता दे, ऐसे ऐसे करके क्या बता दे पहले। अभी मैं उठा नहीं रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ तेरे को। अरे नहीं नहीं वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे बता तू कैसे किस हिसाब से उठाने का। ऐसे हाथ फिर से कर। वीडियो से भी मैं फॉलो करता है, देखो इधर पॉजिशन पता है। Thank you.
फिल्टर से ही फोटो, अरे वीडियो से ही फोटो उठ जाता है। देख लो ये वीडियो उठ रहा है ना, ये जो फोटो वाला है भाई देखो चला गया। ठीक है निकलते क्या चले जाते हैं देखो भाई। क्या है ये जिंदगी, 16 साल का उम्र से लड़ते लड़ते आज इस जगह पर आया हूँ, 40 साल उम्र हो गया। पापा ने बहुत मेहनत करके इतना ऊंचा तक लेके आया मेरे को, वो बहन का बड़ा वाला बहन बड़ा स्टूडियस था, स्टूडियस थी, हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, मेहनत कर करके संघर्ष कर करके आज अपना जगह बनाया, अपना पोजीशन बनाया, आज एक ऐसा लेवल पे हूँ खुद को देख सकता हूँ। पूरा क्रेडिट जाता है मेरा पापा को, जूट मिल पे नौकरी करता था पहला टाइम पे उन्होंने, चलो किसी दूसरा दिन ये जो कहानी है ना ये कभी इलाबोरेटली डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के साथ पूरा कहानी। आज एक्चुअली ये जो मौसम है इधर आकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए बातें मुख से निकलना स्टार्ट हो गया था। आप इधर नज़ारा का मजा लो, Thank you.
प्लीज ऐसा मत किया करो। अगर ये कचरा आप खा रहे हो उसको उसको अपना बैग में जेब में लेके जाया करो। और ये बोतली टूट के आप लोग फेंक दिया, अगर किसी का काल का डेट पे इसका अगर किसी का पैर के चुक जाए तो क्या बोलूं यार, कुछ बोलने का है ही नहीं। एनीवे लीव इट। ये अमूल लस्सी का पैकेट जो भी पिया हुआ है पी के आपने इधर ही छोड़ दिया। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। प्रेमालाप, 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 प्रेमालाप मतलब लवेरिया, लवेरिया, लवेरिया हाँ। तो चल रहा मेरा, लवेरिया खत्म कर फटाफट, लवेरिया चल रहा है। मेरे पोस्ट देखे तुमने? देखो